सो यहाँ से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, रजिस्ट्रेशन का जो हमारा टॉपिक था, बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमने ये पढ़ा था कि जो अगर हम कराएंगे रजिस्ट्रेशन तो हमारी रजिस्ट्रेशन होएगी कैसे, कैसे हो सकती है, अगर हम रजिस्ट्रेशन ना कराना चाहें तो हमें क्या नुकसान होएगा, ठीक है। अगर हम करा ले रजिस्ट्रेशन तो हमें बेनिफिट क्या होएगा, ठीक है। फर्स्ट वन लिखा है फर्म को क्या बेनिफिट है। जो फर्म है वो तीसरी पार्टीज के अगेंस्ट या थर्ड पार्टी जिसको आप बोलते हो, या जिसको हम क्रेडिटर्स बोल देते हैं, या बाहर के कस्टमर्स बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं, उनके अगेंस्ट कंपनी या सॉरी फर्म जो है वो केस कर सकती है। पहला फ़ायदा ये। पार्टनर्स को क्या फ़ायदा हुआ, अगर पार्टनर्स किसी के ऊपर केस करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर पार्टनर किसी भी तरीके से अपना पैसा रिकवर कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं, ठीक है। किसी के अगेंस्ट भी उन्होंने लिखा है अपने वो केस कर सकते हैं, और आगे लिखा है अपने राइट्स के लिए भी वो लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम रजिस्ट्रेशन में मैंने डाला था, ठीक है, तो उनका नाम भी रजिस्टर्ड हुआ है साथ में, तो उनके पास राइट है कि वो क्लेम करें इन चीज़ों को। बेनिफिट्स टू इनकमिंग पार्टनर, देखो पहले लिखा है फर्म को क्या बेनिफिट है कि वो तीसरे बंदे के ऊपर केस करे। पार्टनर जो ऑलरेडी हैं वो किसी फर्म के ऊपर भी कर दें, दूसरे पार्टनर के ऊपर भी केस कर दें। अब ऐसा पार्टनर जो अभी इनकमिंग पार्टनर है, मतलब अभी पार्टनर नहीं बना, उसके ऊपर क्या है, जो है हम कह सकते हैं बेनिफिट उसको क्या मिलेगा। द इनकमिंग पार्टनर ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म इज कैपेबल ऑफ प्लीडिंग फॉर हिज राइट, वाइल इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म ही हैज़ टू डिपेंड अपॉन द ऑनेस्टी ऑफ द अदर पार्टनर्स। अगर तो नॉन रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन हुई नहीं थी, तो जो लोग बोलेंगे, जो पार्टनर बोलेंगे, मुझे उनकी बातों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उनकी ईमानदारी के ऊपर ही चलना पड़ेगा। अगर तो रजिस्ट्रेशन हुई है तो मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, फिर मैं क्या करूँगी, अपनी रजिस्ट्रेशन की जो पार्टनरशिप डीड है उसको चेक करूँगी, मुझे मेरे राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पता चल जाएगा। और आउटगोइंग पार्टनर को क्या है, कहते आउटगोइंग पार्टनर को दो तरीके से दो बेनिफिट होते हैं, ये दो बेनिफिट्स होंगे उसको। पहला है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है कि अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तो वो सारा पैसा किसको जाएगा, सक्सेसर को। सो हिज सक्सेसर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्टिविटीज़ इन द फर्म। पहली बात तो ये कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो रही है और फर्म की रजिस्ट्रेशन हुई है, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा उस पर्सन की डेथ होगी, तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होएगा, उसका बेटा होएगा, उसको क्लेम नहीं करा जाएगा, उससे किसी भी तरीके का पैसा नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि पार्टनर कौन था, जो था उसकी तो डेथ हो गई, तो इसलिए उसके जो पेरेंट्स हैं या उसकी फैमिली है उसको किसी भी तरीके से टॉर्चर नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो अपनी कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अपने क्या हो सकते हैं, वो सेव हो सकते हैं, ना ही उनको किसी भी तरीके का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस हम नॉन रजिस्ट्रेशन के केस में देते हैं, याद रखना। नेक्स्ट लिखा है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सेम वही कि अगर रिटायरमेंट हो रही है किसी पार्टनर की, तो उस रिटायरमेंट के केस में आप लोगों ने पब्लिक नोटिस तो नहीं देना, यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट लाइन में, पब्लिक नोटिस तो हम लोग इशू नहीं करके देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमारी रजिस्टर्ड फर्म है। बट द रिटायरिंग पार्टनर ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म गेट्स रिड ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार। मेरा काम लेना देना जो रजिस्ट्रार के साथ है, मैं उसको बता दूंगी कि मेरी रिटायरमेंट हो रही है, दैट्स इट। पब्लिक नोटिस जो है वो मैं नहीं दूंगी। हैंस आफ्टर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार द रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो कहते एक बार मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं इस कंपनी का पार्टनर नहीं हूँ, तो उसके बाद मेरी कोई भी लाइबिलिटी जो है वो अराइज नहीं हो सकती।